अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव, एक व्यक्ति ऐसा कि जो विश्वास नहीं करता हो इन द एक्सिस्टेंस ऑफ द गॉड, मतलब ईश्वर की उपस्थिति या ईश्वर पे विश्वास न करता हो, तो उसे क्या क्या बोलोगे? एथिस्ट। एक शब्दों में बोलोगे, मतलब इतना ढेर सारा हमारा वर्ड जो है एक सेंटेंस बना, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव, एक व्यक्ति है जो बिलीव नहीं करता इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, आप उसे क्या बोलोगे? बिलीव न करें। ओके, अ पर्सन, एक व्यक्ति हु इज वर्स इन एस्ट्रोनॉमी, यानी कहते हैं अ पर्सन हु इज वर्स इन एस्ट्रोनॉमी, मतलब जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानता हो, खगोल शास्त्री होता है ना, तो इसे एस्ट्रोनॉमर बोलो, क्या बोलोगे? एस्ट्रोनॉमर मतलब होता है खगोल वैज्ञानिक, मतलब जो उसमें उसका अध्ययन करता हो, जो खगोल शास्त्री जो खगोल विज्ञान के बारे में जो भी नॉलेज रखता हो उसके आप क्या बोलोगे? एस्ट्रोनॉमर। क्या बोलोगे? एस्ट। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, अब पर हूँ सिटीजन ना हूँ तो उसे क्या बोलोगे आप लोग? एलियन। एलियन मतलब होता है जो दूसरी जगह से आए, क्या है? जो दूसरी जगह से आते हैं, आप उसे क्या बोलेंगे? एलियन। एलियन मतलब जनरली विदेशी ही होता है, जैसे आप लोग देखे थे ना वो कौन सी आमिर खान की मूवी थी ना, कौन सी? अरे आमिर खान की वो मूवी आई थी, कौन सी? पीके। हाँ पीके, पीके, हाँ पीके ही है। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, ठीक है, तो आप उसे बोलोगे एलियन, ठीक है। पीके नहीं देखे वो, रेडियो लेके आता है तो देख लेना। ट्रेवलर इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट मींस अंतरिक्ष, जो व्यक्ति कहां पर ट्रेवल करता हो स्पेस में, उसको आप बोलोगे एस्ट्रोनॉट, मतलब अंतरिक्ष यात्री। ओके, उसके बाद देखिए अगला, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली, अभी पढ़े हो गवर्नमेंट बाई ओनली वन पर्सन, उसे क्या बोलोगे? ऑटोक्रेसी आ गया ना, एक तंत्र, मतलब जहां पे एक व्यक्ति का ही केवल शासन हो, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक व्यक्ति ही वहां पे शासन करता हो, तो आप बोलोगे उसे क्या? ऑटोक्रेसी। जहां पे लोगों का शासन हो वहां पे क्या बोलोगे? डेमोक्रेसी। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाई हिमसेल्फ, खुद अपने आप के बारे में अगर हम अपने जीवन की आत्मकथा को लिखते हैं तो उसे क्या बोलोगे? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। अभी ये भी आगे के क्लास में बताएंगे आपको, ऑटो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स क्या होता है, ग्राफी मीन्स क्या होता है, ठीक है। ये ऑटो मतलब सेल्फ होता है, बायो मतलब होता है खुद का जो जीवन होता है ना, जिससे बायोलॉजी आप लोग नहीं पढ़ते हो, बी आई ओ उसमें आया हुआ है, तो लाइफ के बारे पढ़ते हो, और ग्राफी मतलब होता है जो लिखने से रिलेटेड होता है, ठीक है, उसीलिए ये पढ़ा है। तीन वर्ड हैं अलग अलग जुड़े, ऑटो बायोग्राफी, तब बना है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब सेल्फ, बायो का मतलब जीवन, ग्राफी मतलब लिखने से रिलेटेड, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग आत्मकथा। अ मेडिसिन विच काउंटर एक्ट्स पॉइजन, मतलब काउंटर एक्ट करता है किसका? पॉइजन का। एंटीडोट बोलोगे, क्या बोलोगे यहाँ? हाँ, जो विषधर औषधि होती है, विषों को जहर को मारने का काम करता है, तो अ मेडिसिन विच काउंटर एक्ट्स पॉइजन, आप उससे एंटीडोट बोलोगे। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली, और ट्रेवलर इन स्पेस, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच, अ पर्सन हु इज वर्स इन एस्ट्रोनॉमी, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। तो क्लियर हुआ इतना? आई होप डेट आप लोग लर्न कर लोगे, और कल मुझे सुना देना।